फॉर बेस्ट क्रिकेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू रिटर्न फायरिंग एंड द पर्सनैलिटी. तो फॉर द रिटर्न यू हैव टू गो थ्रू विद द प्रेसिस विच इज बींग लॉन्च बाई द DGNCC ऐप. सो यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दिस एंड जस्ट गो लाइन बाई लाइन एंड उसमें से आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है. एंड फॉर द करेंट अफेयर्स यू शुड टेक अ पार्ट फॉर द 2 to 3 months लाइक डिसम्बर नवम्बर एंड अक्टूबर. सो दीज 3 months इफ यू आर प्रिपेयरिंग thoroughly then it is fine, well and good. And for the firing तो उसके लिए आपको practice करना ही पड़ेगा अच्छे से. तो उसका तो फिर आपका group level से अच्छे से selection में होता रहता है. And for the personality part that you have to make it. For the BC आपको वैसा कुछ भयंकर personality नहीं चाहिए कि आपको बहुत ही अच्छे अंग्रेजी आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे आपके vocabulary होनी चाहिए. This is not. But your thoughts, your organizing skill, your organizing the answers is what it make the most important thing. So you have to be well prepared in your personality. Like you have to prepare your answers. आप जो भी लिखते हो अपने बायोडाटा में आपको हर चीज़ का आंसर आना चाहिए कि अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाते हैं उसके बीच में तो आप उसको भी आंसर कर सकते हो. एंड आप हो सके तो अपना जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें आप ध्यान दो अच्छे से. तो उसमें आप अच्छे से फोकस करो ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है. उसके लिए आप ग्रुप डिस्कशन करो अपने साथ, लेक्चरेट्स करो ताकि आपके वो चीज़ अच्छी होती है और नॉलेज तो गेन होता ही रहेगा. बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर सकते हो. तो कुछ नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे. बट अगर आपका नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको अपना पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में थोड़ा दिक्कत. तो यही सब चीज़ें जो टिप्स है जो आप अकाउंट में ले सकते हो फॉर बींग द बेस्ट कैंडिडेट.